नमस्ते भारत। हम हैं आज बम्बूटू सीएनजी यूनिट को देखने के लिए, लेकिन उसको समझ रहे हैं अभी, और बोरलाई गांव में हैं। कुछ पूरा भारत कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो रहा है, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, एमपी, सभी दूर से। मैं ये बतला रहा था आप लोगों को, ये जो साइड है पूरी, ये 1 एकड़ की है और ये 19 वेराइटी लगी हुई है यहाँ पर। हाँ, इसमें से अगर हम नज़र डालें, समझने की कोशिश करें, ये जो भिर्रा है ना, ये भिर्रा बालकुआ का है, बालकुआ बड़ा वाला। इधर फिर अलग वैरायटी हो गई, वहाँ से बालकुआ के जस्ट बाद वो बारीक पत्ते दिख रहे हैं, वो कटंगा का है, उसके बाद फिर चाइनीज पेंटिंग है, फिर स्टिकटस है, फिर आगे फिर बालकुआ आ गया, बड़े पत्ते वाला हरा पीस जो है। ये 3 साल प्लस हो गए हैं एक ही जगह, एक ही तरह का पानी, 19 वैरायटी है। तो इसमें आपको समझ में आएगा कि कौन सी वैरायटी का चलन कैसा है, उसकी हाइट हेल्थ कैसे आती है। हाँ, क्या चालू है भाई आज? आज डारा बना ही रहा है। डारा बना रहा? हाँ, ठीक है। मैं नींबू नींबू में इसका क्या करो, ये छोटे ट्रैक्टर से पीछे लक्कड़ लगा के वो बीच वाला पोर्शन दबा दो, ट्रैक्टर चला दो 4-5 बार, इसलिए भी लगाई है कि आगे हमें जब प्रोसेस करना पड़ेगा। एक्चुअली बाम्बू में तो 1500 वैरायटी है, लेकिन जो प्रैक्टिकल किसानों के लिए वाइबल हो, उनमें से कुछ हमने ये 19-20 सिलेक्ट करी है जिसको यहाँ प्लांटेशन किया। ये वैरायटी देखेंगे, पहली तो ये ब्रांडिशाई है, डी ब्रांडिशाई, इसको पानी ज़्यादा लगता है, और ये 7 साल में हेल्दी होकर के बड़ा जाएगा। ये लगभग 4 इंच के पीवीसी पाइप के जैसा हो जाएगा ये। 7 साल लगते हैं। हाँ, अभी 3 साल का हो चुका है ये। डेंड्रोकेलिमस ब्रांडिशाई वैरायटी का नाम है, और हाइट में ये जाएगा लगभग 50 से 80 फुट के बीच में, और यहाँ जो लगा है यहाँ पत्थरों में लगा है। ये साइज में फिर वैरायटी देखेंगे तो ये है येलो वल्गरिस। ये नेचुरल इसमें हरापन आता है, ऐसा दूर से लगता है किसी ने पेंट किया हो या फटा हुआ है। इसका फर्नीचर बहुत अच्छा बनता है, पोल पाइप जहाँ डिजाइन डालना रहती है वहाँ पर इसको ज़्यादा यूज करते हैं। अब इसमें जो काटने वाली बात है, आपका जो क्वेश्चन था, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये सूख रहा है, ये या तो निकाल लो या खुद जाएगा। और सबसे अच्छा दिख रहा है वो इस साल का है, ये कौला है। लेट आता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, जितना लेट आएगा वो अच्छा है। नीचे वाला जो राइजोम है बहुत बड़ा डेवलप होने के बाद में ऐसे निकलते हैं। ये 3 साल का भिर्रा है, 3 साल में ये पोजीशन बनी है। आइए, ये वैरायटी जो है ये लॉन्जिस्पेथस है, डेंड्रोकेलिमस लॉन्जिस्पेथस, ये भी अगरबत्ती में काम में आ सकता है। टुंडा के जैसे इसका ये जो नोट, इंटर नोट है, ये लंबा है, काफी लंबा है, ये बड़ा है, ये इस साल का है। बांस की यही खूबसूरती है कि हर साल बड़ा सूट देगा और मोटा देगा। कटिंग का भी कोई तरीका होता है, ये कौन सा कट करना है, कौन सा नहीं कटना है? हाँ, मैंने वही बतलाया था, अभी इसको 3 साल हुए हैं, अगर ध्यान से देखोगे जी, तो ये जो सूखने पर चालू हो गया है ये कटिंग करना है, ये पकिया है, पक गया है ये। अच्छा, ये शुरुआत के साल में जो आया था वो काटना है, ये हमें दिखेगा सुंदर ये, लेकिन इसको नहीं काटना है। अच्छा, ये इस साल आया है, ये अभी पकने में इसको समय लगेगा, हमें ये वाला काटना है। एक बार इसकी साइकिल चालू होगी, नीचे से सफाई चालू होगी, तो फिर हर साल हमें एक संख्या मिलेगी और एक संख्या नहीं आएगी, ऐसी साइकिल चालू हो जाएगी। हरियर लगभग कितने तक निकल आते होंगे इसमें से? जगह कम रहेगी तो ज्यादा निकलेंगे, ज्यादा जगह में डेंस में कम निकलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये टुंडा वैरायटी जो हम वहां पर देखकर आए, ये इस तरीके से ये मोटा होना चालू हो जाएगा 3 साल में। और इसके जो ये पत्ते निकलते हैं, इससे पत्तल दोना बनता है, नया डिस्पोजल जो बनेगा डिग्रेडेबल वाला। हाँ,
ये सारे जो इसे निकले हैं ना, इससे पत्तल धोना बन रहा है। ये अभी निकल रहा है, ये ताजा है, ये अभी 10 दिन का होगा। ये क्या बात, ये 10 दिन का है। अरे बाप रे, ये अगले 60 दिन के अंदर इन सबसे बाहर चले जाएगा। जैसे ये देखोगे तो ये अभी 3 महीने का होगा। ये ये जस्ट 3 महीने का है। कौला इसी को बोलते हैं, कोमल। और एक आप पहले साल क्या है वो? हाँ, ये पुराने, ये पिछले, ये निकालना है अभी। एक बार ये नीचे राइजोम डेवलप कर लेता है, फिर ऐसा मोटा सूट ही निकलेगा हर बार। ये देखो निकल ही रहा है ना। ये भी फर्नीचर में काफी काम में आता है, ग्रीन वलगरी। ये इस साल की सूट है, ये है, ये है, ये नया निकल रहा है। पुराना आप सफाई आ गया इसका, अंदर से ये सफाई करना आ गया। ये जब 7 साल का होगा तो ये पूरे भिर्रे में सबसे खूबसूरत ये दिखेगा, लेकिन ये लेगा समय। इसमें यहाँ से ब्रांचेस बहुत कम दिखेगी, नहीं के बराबर दिखेगी। नीचे से ऊपर तक एक जैसा साइज दिखेगा और पूरा सीधा दिखेगा जाइजेंटियस। लेकिन 7वें साल ये दिखेगा अच्छा। अभी जो देख रहे हैं ये सभी एक साथ के लगे हुए हैं, तो इसका जो भिर्रे का विकास है ये धीरे धीरे हो रहा है। वैरायटी का इफेक्ट है, वैरायटी वाइज ऐसा धीरे धीरे चलेगा। ये यहाँ से मिलेगा आपको बालकुआ, यहाँ तक ग्रीन वल्गरीज है, यहाँ से ये बालकुआ वैरायटी है। हाँ, ये इस तरीके से बालकुआ बनता है, चलता है। ये इस साल का है, ये जो देख रहे हैं ये नया, ये इस साल का है, ये जो नया है ये इस साल का है। ये जितना लेट होगा उतना हेल्दी और मोटा होगा। नीचे पूरा कड़क मुरूम पत्थर जैसा है, ये बायोमास गिर गिर के ये अभी सॉफ्ट होना चालू हुआ है। ये पूरी फील्ड 3 साल की है, अब ये लगा हुआ है 15x15 पे। अब यहाँ पर अगर हम प्लांटेशन नहीं करेंगे तो ये बांस ऐसे बाहर जाएंगे। अब ये जमीन कुछ काम की नहीं है, अगले 10 साल के लिए कुछ काम की नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें 4-4 फीट पे चाहिए। और ये जो साइड है ये हमें खुली रखना है कि यहाँ से निकाल के बाहर निकालना है। हाँ, अब इसकी अंदर से जैसे सफाई चालू होगी तो बाहर नया बनेगा, अंदर से सफाई चालू हो जाएगी। ये बालकुआ बालकुआ है, आगे जो झाड़ियाँ हैं ये कटंगा की जाने में दिक्कत। ये पूरा का पूरा वर्मी कंपोस्ट बनेगा। इसको क्या करना है, इसको सफाई करके पूरा बांस की यहाँ पर एक पूरी लाइन कर देना है और केचवे छोड़ना है, तो यहीं पर आपका वर्मी कंपोस्ट बनना चालू हो जाएगा। उसका रसा जो जाएगा ये पौधे का भोजन रहेगा, और वर्मी कंपोस्ट आप बाय बैक कर सकते हो, बाहर बेच सकते हो, और जो आपको जल जाएगा उसकी भी संभावनाएं खत्म कि हमारा प्लॉट जल जाएगा। बस सिर्फ इसको साइड में करना है, इसके ऊपर ड्रिप रखना है तो मॉइस्चर बनना चालू होगा और केचवे छोड़ना है, बाकी कुछ अलग से कर रहे हैं क्योंकि एनवायरनमेंट तो है कंट्रोल, यहाँ पर टेम्परेचर है नहीं कुछ। ये कटंगा वैरायटी है, अभी ये फर्क है, ये बालकुआ है और ये कटंगा, एक साथ एक दिन का लगा हुआ है। हालांकि ये 7 साल बाद ऐसा दिखेगा कि बालकुआ से आगे निकल गया है, लेकिन आज हमें किसानों को 3रे साल से फंडिंग चालू चाहिए, और वो भी नेपियर लग रही तो पहले साल से हमें फंड किसान को अवेलेबल कराना है। तो सबसे स्पीड से चलने वाला और बायोमास जो दिखेगा वो इन सभी वैरायटियों में केवल बालकुआ में दिखेगा। इसको अभी निकालने में दिक्कत है। जो भैया का प्रश्न था कि ट्रैक्टर चाहिए, तो वो कटंगा लगा है इसलिए ट्रैक्टर चाहिए, इसके लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता नहीं, आदमी निकाल के खींच लेगा बाहर।
आइए। हाँ, ये कटंगा के हैं, ये भी कटंगा है। ये थोड़ा ये टहनिया देखना है, लगे नहीं आंखों में। अभी मिट्टी समझ लो कैसा है, पूरा पत्थर है यहाँ पर। वेस्ट में बेस्ट हो रहा है ये। ये स्टिक्टस है, लाठी बांस जो कहते हैं। जी जी, स्टिक्टस। ये वैरायटी में दो तीन तरह के अलग अलग स्टिक्टस है। जो मेड़ों पर पहले लगाने के लिए बैठे नहीं थे फॉरेस्ट वाले, ये वही एक दूसरे में घुस जाएंगे, निकलेंगे नहीं। ये केवल गद्दा चराने के लिए है। ये डी ब्रांडिशाई है जो हमने पहला पौधा देखा था, ये वही वाला है डी ब्रांडिशाई। ये फिर बालकुआ में आ गए हम। इसको हिंदी में धीमा बांस भी कहते हैं, बड़ा होता है। हाँ, धीमा। ये एस्पर वैरायटी है, पानी थोड़ा लगता है ज्यादा, लेकिन ये बहुत खूबसूरत बनेगा। ये इसका साइज बनेगा ऐसा मोटा, 4 इंच पीवीसी पाइप जो आता है उस टाइप से बनेगा। ये ब्रांडिसाई और एस्पर लगभग एक जैसा है, लगभग। अगर इनको पास पास में लगा देंगे तो पहचानना मुश्किल होगा। एक थोड़ी है पहचान की, इसमें ये सफेद रोए ज्यादा है, चाल चलन एक जैसा है। 7 से 8 साल में ये दिखेगा आपको साइजेबल, लेकिन बहुत अच्छा हाइट हेल्थ का जाएगा। लगभग 70 से 100 फीट रहेगी हाइट इसकी, एज पर वैरायटी की। ये ओलिवेरी है, चाइना का बांस है ओलिवेरी। पिन होल रहता है इसमें, बहुत कम होल रहेगा। ये ब्लैक बांबू, ये फर्नीचर में और खूबसूरती के लिए इसे उपयोग किया जाता है। भाई अच्छा बनेगा 7 से 8 साल में। जितना पुराना होगा उतना काला होगा। ये अभी नया है तो हरा है, इस साल का है, लेकिन ये जैसे जैसे पुराना होगा, ये जैसे और पुराना है तो काला होगा। ये सूखने पर भी काला ही रहेगा, जैसे बांबू सूखने पर पीला हो जाएगा। ये ब्लैक बांबू है। ये है बांसुरी के लिए, इसकी बांसुरी बनती है। अंदर से पूरा होलो रहेगा और वेटेज में हल्का रहेगा। ये वैरायटी चाइनीज पेंटिंग। हाँ, पूरा गुथ जाएगा, एकदम टाइट हो जाएगा ये, और अंदर एकदम पिन होल है, मतलब अंदर का होल बहुत कम है, सकरा है। निकालते कैसे भी इसको, जो ना निकलेगा ही नहीं। ये केवल वॉल पर, दीवालों पर डिजाइन और डेकोरेशन के लिए है, चाइनीज पेंटिंग बोलते हैं। ये वैरायटी है वमन बांस, इसको चाइना में बुद्धा बांस भी कहते हैं। इसके नोट इंटरनोट एकदम छोटे छोटे हैं। ये वामन देवता हिंदू धर्म में थे, उस टाइप से ये वमन छोटा। अरे यूनिट में अगर आप समझेंगे कि हम किसानों के लिए कौन सा डिसीजन लें या किस बांस पर जाएं, कि अभी हम पहले फेज में बाम्बू टू सीएनजी भी सार्थक करें और किसानों के लिए भी उनको इनकम फर्स्ट कहाँ से जनरेट हो, तो एक ही नाम आपको निकल के आएगा, बालकुआ। ये 19 वैरायटी में पहले फेज में, वही सबसे जल्दी है, वही अर्ली है, और वेट भी अच्छा, उसका गेन भी अच्छा। हाँ, वजन भी अच्छा है, और केवल सीएनजी नहीं, मल्टीपर्पज पार्टिकल बोर्ड, प्लाईवुड, फर्नीचर, इथेनॉल, चारकोल,
बम्बूटू सीएनजी या सबसे आखिरी हालत खराब है कि कहीं नहीं बिक रहा है तो सीधा सूट जो बांस का पोल बिकता है जनरल मंडी में उसमें भी बिक जाएगा बल्ली के काम में। जी आखिरी रास्ता। हाँ आखिरी रास्ता। हालांकि अब बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही है जैसे हम भी बाम्बू टू सीएनजी जा रहे हैं कुछ और अलग अलग इंडस्ट्री आ रही है आर्टिशन ने पार्टिकल बोर्ड का चालू किया है तो काफी लोग अभी आ रहे हैं। एक्चुअली भारत में अभी तक बांस था ही नहीं एग्रीकल्चर में तो इंडस्ट्री आएगी कहाँ से। अब उसको ले लिया है एग्रीकल्चर में कि कोई भी लगाए और कहीं भी बेचे तो अब इंडस्ट्री फोकस करेगी कि अगर हमें बांस मिलेगा तो हम यूनिट लगाएंगे। ये स्टिकर्स जो अंदर से मैंने दिखाया था तो बाहर से इस टाइप से दिखेगा। हाँ ये मैंने बोला था ओलेवेरी एकदम छोटी छोटी पत्तियां हैं ओलेवेरी वैरायटी है ये बाहर से इस टाइप से दिखेगा। यहाँ से कटंगा चालू हो गया है ये जो अंदर वो देखा था हमने गुथा हुआ। हाँ ये कटंगा है आपको छोटी पत्ती फिर बड़ी पत्ती फिर बालकुआ की बड़ी पत्ती बालकुआ ये अलग चेंज इसकी पत्तियों से भी पता चलेगा बाहर से ये यहाँ से बालकुआ आ गया है। ये बालकुआ अच्छी है तो हाँ हेल्दी इसको हेल्दी सॉइल मिली ना तो बहुत ज़्यादा उत्पादन आना है। ये एकदम लास्ट कंडीशन में केवल बारिश का आश्रित भी चल सकता है और आपने पानी दिया और सही से लाड़ प्यार किया तो तीन गुना उत्पादन आएगा। जैसे अभी हमने अंदर देखा कि सूट आ रहा है बारिश पे आश्रित रहेंगे तो केवल अगस्त सितंबर में सूट आएगा दो महीने बारिश मिलने के बाद और अगर ड्रिप इरिगेशन से या फ्लड से पानी देते रहे तो साल भर सूट आता रहेगा। दादा आप जो पहल कर रहे हो ना ऐसे बहुत कम राजनीतिक की लोग पहल करते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे नहीं भाई, तो किसानों के लिए आप खेतों में इस तरीके से मेरे साथ 1.5-2 किलोमीटर घूम रहे हो पैदल पैदल। मैं खुद किसान फैमिली से हूँ। हाँ खेती हमारे पास में 150 एकड़ खेती खुद की खेती 150 एकड़ तो उसका जैसे हमारा जमीन से जुड़े हुए यस इसीलिए आप किसानों के ग्रास रूट तक समझना चाह रहे हैं। हमारा जो है ना पूरा चुनाव क्षेत्र वो आदिवासी क्षेत्र है। अच्छा सातपुड़ा। हाँ सातपुड़ा लगा हुआ है। सातपुड़ा लगा हुआ है यस। उसके लिए हमको ज्यादा ये है कि भाई बाम्बू लग जाए तो अच्छा रहे। यस 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 बांस की उत्पत्ति ज्यादा होगी बिल्कुल। और वो अभी लेबर के ही प्रॉब्लम आ रहे ना सबसे बड़ी लेबर की प्रॉब्लम है और बाद में जो आने वाला खर्च वो भी ज्यादा हो जाता है। क्रॉप में अगर लगाओ अपन कॉटन लगाओ तो कॉटन के लिए लेबर ज्यादा लगते हैं एकदम लगता है फुहारे ज्यादा लगते हैं जिससे सॉइल का पीएच भी खराब हो रहा है। दिक्कत है तो फिर कोई दिक्कत नहीं ऑक्सीजन भी बढ़ना है करना ही पड़ेगा। मैं सी आर पाटिल साहब के संसद क्षेत्र से। अच्छा अच्छा क्या नाम है आपका भाई साहब? राकेश। राकेश जी बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर किसानों के लिए इतना नीचे ग्राउंड तक घूम रहे हो ऐसे बहुत कम अवसर हमें प्राप्त होते हैं आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा शुरुआत करो हमसे जो होगा किसान पाठशाला से सपोर्ट में रहेंगे हम करेंगे। आपके फार्मरों को टीच करना गाइड करना वहाँ सीएनजी यूनिट लगाना आप शुरुआत 365 एकड़ से कीजिए आगे फिर हमसे जितना होगा हम सपोर्ट करने के लिए एकदम तैयार हैं। थैंक यू। देखो हमारा तो प्रयास ही है कि ज्यादा लगे। आप 365 बोल रहे हैं हमारा उससे ज्यादा प्रयास रहेगा। एक बार इंडस्ट्री आ जाए ना तो कास्तकारों को कुछ तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है केली लगाओ केली बरसात में कम ज्यादा पानी हो तो उसकी दिक्कत आ जाती है। बॉर्डर सीज हो गए बंद हो गए तो केला बाहर जाते तो हैं उसमें भी फिर घर से पैसे लगा के बाहर निकालना दिक्कत पड़ती है। पर्याय ये हो जाता है क्रॉप विकल्प एकदम अच्छा विकल्प अच्छा है इसके लिए। थैंक यू चलो।